पीएम मोदी को लेकर नस्ली और भद्दी टिप्पणी की है, जिसको लेकर बवाल मचा है। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में लैंड हुए थे, तो क्रोनिका टीवी ने कार्टून की इमेज के साथ पीएम मोदी की फ्लाइट की तस्वीर लगाई और जो कैप्शन लगाया उसी पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद बढ़ जाने के बाद टीवी चैनल ने माफी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्टून की इमेज के साथ प्लेन की तस्वीर लगाई और इस तस्वीर के साथ जो कैप्शन लगाया उसी कैप्शन को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। हालांकि अब क्रोनिका टीवी ने माफी मांग ली। ये वो कार्टून है, क्रोनिका टीवी अर्जेंटीना का चैनल, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर है, वहां पर G20 ग्रुप की बैठक के साथ इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी जापान और अमेरिका के साथ, उसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था, लेकिन जब पहुंचे थे अर्जेंटीना तो इस तस्वीर को वहां के एक टेलीविजन चैनल ने दिखाया, साथ में एक कार्टून शेयर किया और इस कार्टून में नस्लीय टिप्पणी की गई। हालांकि अब इस चैनल ने माफी मांग ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना के एक टीवी चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, नस्लीय टिप्पणी की है। हालांकि जब यह पूरा मामला सामने आया, विवाद बढ़ा, तो इस विवाद पर माफी मांग ली। और श्रेया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रेया, यह पूरा मामला एक तो काफी आपत्तिजनक है, हालांकि क्रोनिका टीवी ने जरूर इस पर माफी मांग ली है, लेकिन एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरीके की टिप्पणी? बिल्कुल जी, हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि ट्विटर पे इसके ऊपर बहुत एक बैकलैश शुरू हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब G20 समिट के लिए अर्जेंटीना पहुंचे तब क्रॉनिका टीवी ने उनका कंपैरिजन अप्पू नाम के कैरेक्टर जो सिम्पसन एक कार्टून सीरीज में अपियर करता है उनके साथ कंपेयर किया गया है। अब माना जाए तो ये एक बहुत ही रेसियल डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं बहुत लोग, और इसी को लेकर ट्विटर पे भी काफी लोगों ने दिखाया है। क्रॉनिका टीवी ने जैसे आपने कहा माफी तो मांग ली है, लेकिन बिल्कुल लोगों के अंदर इसके लिए बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो एक दूसरे कंट्री से आए थे उनके बारे में ऐसे टिप्पणी करना बिल्कुल ही आपत्तिजनक रहा। चलिए श्रेया, आपसे जुड़ने के लिए जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जेंटीना का टीवी चैनल है क्रोनिका टीवी, आप तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे तो उनकी फ्लाइट के साथ एक तस्वीर, एक कार्टून की तस्वीर शेयर की और नीचे अप्पू लिखा, इस कैरेक्टर से तुलना कर दी। अब इसके बाद जब बवाल मचा, तो इस बवाल के बाद इस टीवी चैनल ने हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन इसे सोचना चाहिए था कि एक देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी या उनको लेकर इस तरीके की टिप्पणी उसे नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त की बड़ी खबर, अर्जेंटीना में पीएम मोदी पर नस्लीय टिप्पणी क्यों, ये बड़ा सवाल है। क्या उस टीवी चैनल ने 125 करोड़ देशवासियों के बारे में नहीं सोचा, इतने बड़े देश के बारे में नहीं सोचा कि उस देश के मुखिया के खिलाफ इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई? अर्जेंटीना की यह पूरी खबर है, वहां का एक टीवी चैनल है क्रोनिका टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अर्जेंटीना में है, वहां पर G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कल त्रिपक्षीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन जब वहां पर लैंड किए थे तो उनकी फ्लाइट के साथ वहां के एक टीवी चैनल ने एक तस्वीर दिखाई, वहां के कार्टून कैरेक्टर को शेयर किया, उसके नीचे जो नाम लिखा जिस कैरेक्टर के साथ शेयर किया उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। हालांकि अब इस टीवी चैनल ने माफी जरूर मांग ली है।